वी विल वॉक हैंड इन हैंड, वी विल वॉक हैंड इन हैंड, वी विल वॉक हैंड इन हैंड समडे, ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी विल वॉक हैंड इन हैंड समडे। मतलब हमारा हाथ एक दूसरे के हाथ में होगा एक दिन, कि सब साथ में मिलकर चलेंगे, सब साथ में मिलकर रहेंगे। ये मेरे दिल में, मेरे मन में विश्वास है कि एक दिन हम सब साथ में चलेंगे। वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड टुडे, और डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी आर नॉट अफ्रेड टुडे। कि हमारे मन में कुछ भी डर नहीं है, आज हम बिल्कुल किसी चीज़ से नहीं डरते हैं। मेरे मन में विश्वास है, मेरे दिल में विश्वास है कि हम आज किसी से भी नहीं डरते हैं। द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री, द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री, द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री समडे, ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री समडे। कि एक दिन जो सच है वो हमें सच्चा बनाएगा, हमें आज़ाद करेगा, और एक दिन हम ज़रूर से ये सच के सहारे जीत जाएंगे, ये मेरे मन में विश्वास है। We shall live in peace, we shall live in peace, we shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall live in peace someday. कि मेरे मन में ये विश्वास है कि एक दिन पूरी दुनिया में शांति होगी, हम शांति से रहेंगे, ना कोई आतंकवाद होगा, ना कोई लड़ाई झगड़े होंगे, ना कोई दंगे होंगे। हम लोग सब पूरी दुनिया शांति में रहेंगे, शांति से जिएंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे से डरेंगे नहीं, और सब लोग मिलजुल कर रहेंगे। तो ये हुआ चैप्टर हम होंगे कामयाब का इंग्लिश ट्रांसलेशन। ओके, क्वेश्चन आंसर्स आपको बता दिए जाएंगे कि आपको कौन से करने हैं। ये देखिए क्वेश्चन आंसर्स हैं। ओके, ये आपको नोटबुक में करने हैं। सबके पास नोटबुक्स होंगी तो ये जो क्वेश्चन आंसर्स आपको दिख रहे हैं ये आपको नोटबुक में करने हैं। ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये आपको बुक में ही करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट मेक्स अस फ्री। कि पोएट के अकॉर्डिंग हमें फ्री कौन बनाते हैं, हमें आज़ाद कौन करता है। द आंसर इज ट्रुथ। व्हाट डज हैंड इन हैंड मीन इन द सॉन्ग। कि हाथ में हाथ देने का मतलब क्या है, इसका मतलब है, बता सकते हैं कोई, बता सकते हैं इसका मतलब क्या है। यूनाइटेडली मतलब सी, इसका आंसर है सी, यूनाइटेडली मतलब एकता के साथ चलना। व्हाट डज डीप इन माई हार्ट मीन, इसका मतलब क्या है। कि हार्ट में मतलब गहरे मन से सोचना, इसका मतलब क्या है। व्हाट आई समटाइम्स होप, व्हाट आई थिंक, व्हाट आई स्ट्रांगली फील, व्हाट आई लाइक, इसका मतलब क्या है। व्हाट आई स्ट्रांगली फील मतलब जो मैं बहुत दिल से सोचता हूँ, दिल से फील करता हूँ। ओके, सो ये आपको बुक में ही करने हैं। ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं सी, जो सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये आपको नोटबुक में करने हैं। और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये भी आपको नोटबुक्स में करने हैं। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।